हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो है क्लास फोर्थ की इंग्लिश की वर्कशीट 38 पर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर रहे हो। हमारा लर्निंग एरिया है रीडिंग एंड राइटिंग। लर्निंग पॉइंट है द लर्नर आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन इन स्पीच एंड राइटिंग। आपको अलग अलग प्रकार की संज्ञा की पहचान आएगी। तो संज्ञा क्या होता है बच्चों? संज्ञा होता है नेमिंग वर्ड। नीचे कुछ हमें नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में लिखना है। जैसे पहला ग्रुप है पीपल, दूसरा है एनिमल एंड बर्ड्स, तीसरा है प्लेसेस और चौथा है थिंग्स। तो आपको अलग अलग में इनको लिखना है। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं, पहला है पेंसिल। क्या है बच्चों? पेंसिल। तो पेंसिल एक वस्तु होती है, हमने पेंसिल को यहाँ थिंग में लिख दिया। फिर है राजस्थान। राजस्थान एक जगह का नाम है, इसलिए हमने इसे एक प्लेस में लिख दिया। फिर है क्लासरूम, कक्षा कक्ष। तो बच्चों क्लासरूम भी एक जगह होती है, इसलिए इसको हमने क्लासरूम यहाँ लिख दिया। फिर है पैरेट। पैरेट बच्चों एक पक्षी है, इसलिए इसको हमने एनिमल एंड बर्ड में लिख दिया। डंकी। डंकी बच्चों एक जानवर है, इसको हमने एनिमल एंड बर्ड्स में लिख दिया। डंकी मतलब गधा। टीचर। टीचर एक पीपल है, इसलिए इसको हमने यहाँ टीचर पीपल में डाल दिया। फादर। फादर भी एक पीपल है, इसलिए इनको हमने यहाँ डाल दिया। कंप्यूटर। कंप्यूटर कोई वस्तु होती है, इसलिए इसको हमने कंप्यूटर को यहाँ डाल दिया। रमेश। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको हमने पीपल में डाल दिया। फिर दोबारा पेंसिल आ गया, मैंने इसको दोबारा रिपीट नहीं किया। फिर है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी एक वस्तु, इसको हमने यहाँ डाल दिया। विंडो भी एक वस्तु है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। फिर है पीकॉक। पीकॉक एक जानवर, एक पक्षी है, इसको हमने यहाँ एनिमल एंड बर्ड्स में डाल दिया। फिश। फिश एक एनिमल है, इसको हमने एनिमल एंड बर्ड में डाल दिया। विलेज। विलेज गांव, ये एक जगह होती है, इसको हमने प्लेस में डाल दिया। एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी भी एक एनिमल है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। फार्मर। फार्मर बच्चों एक पीपल होता है, इसको यहाँ डाल दिया। पीपल में स्टूडेंट पीपल होता है, यहाँ डाल दिया। विद्यार्थी। रमीज। रमीज एक पीपल है, इसको हमने किसी का नाम है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। उदयपुर। उदयपुर किसी जगह का नाम है, इसको हमने यहाँ प्लेस में डाल दिया। हॉस्पिटल जगह का नाम है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। डॉग्स जानवरों के नाम है, इसलिए यहाँ एनिमल्स एंड बर्ड्स में डाल दिया। जयपुर प्लेस का नाम है, इसको हमने यहाँ प्लेस में डाल दिया। अब हमें कुछ ओड वन को सर्किल करना है जो इनमें अलग हो। तो हम देखते हैं कौन सी अलग है। राम प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। राम, श्याम, गर्ल, शीना, रईस। देखो बच्चों यहाँ पे जो बाकी सब तो नाम है, ये जो एक है ये है गर्ल, ये अलग है, इस पर मैंने एक गोला लगा दिया। कॉमन नाउन बॉय, ट्री, पीको, जोनी, टीचर। तो यहाँ पर हमें कॉमन नाउन को सर्च करना है। तो बच्चों जो ये जोनी है ना, ये एक प्रॉपर नाउन है, बाकी सब कॉमन नाउन है। तीसरा हमें कलेक्टिव नाउन को सर्च करना है। तो देखो बच्चों इसमें जब आप देखते हो टीम, हर, स्टाफ, क्लास, ये तो है कलेक्टिव नाउन, जबकि ये जो वाटर है ये जो है ये एक कॉमन नाउन बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे ऑनेस्टी, होप, लाइफ, पीस, जबकि एनिमल जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में फ्लोर, आयरन, गोल्ड, वुड, ये तो है मटेरियल नाउन। ये जो कमल है ये एक प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से बच्चों जो हमारे ओड वन थे हमने उनको सर्किल भी कर दिया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।